गुड मॉर्निंग एवरीवन. टुडे वी विल स्टार्ट रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर 7. सो आवर चैप्टर 7 इज एनिमल लिविंग एंड सर्वाइविंग. ओके, सो टेक आउट योर बुक एंड दिस लेक्चर इज नॉट फॉर राइट ओनली फॉर लिसन. सो लिसन टू मी प्रॉपरली. पेज नंबर ओपन पेज नंबर 61. फर्स्ट इज इन्फोबिट. इन्फोबिट इन इन्फोबिट बॉक्स स्नैक्स स्नैक्स पीरियडिकली माउल्ड और शेड देयर स्केली स्किन और एक्वायर न्यू वंस. यानी स्नैक्स में एक क्वालिटी होती है कि वो अपनी स्किन को, पुरानी स्किन को रिमूव करके नई स्किन को एक्सेप्ट कर लेता है. उस प्रोसेस को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड माउल्टिंग. माउल्टिंग बोलती है. माउल्टिंग परमिट्स रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड वॉर्न एंड आउट स्किन. यानी पुरानी स्किन को वो छोड़ देता है एंड विद अ न्यू वन एंड अलाउ द स्नैक ग्रो. और नई स्किन को एक्सेप्ट कर लेता है. ओके, सो द अरेंजमेंट ऑफ कलरफुल स्केल इज यूज टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ स्नैक्स. अलग अलग तरह के कलर के स्केल्स से उन स्नैक की टाइप्स को टाइप आइडेंटिफाई होती है. सेकेंड नेक्स्ट है फिश. फिश हैव स्केल ऑन देयर बॉडीज. फिश में स्केल्स होते हैं बॉडीज़ में. मोस्ट फिश हैव ओवरलैपिंग स्केल्स ऑन देयर बॉडी. द स्केल्स प्रोटेक्ट द देयर सॉफ्ट बॉडीज. ओके, सो स्केल्स जो है वो उसकी अपने उसके बॉडी के सॉफ्ट पार्ट को या डेलिकेट पार्ट्स को प्रोटेक्शन देता है. एंड दीज स्केल्स आर फ्लेक्सीबल एंड डू नॉट डिस्टर्ब देयर मूवमेंट. और वो जो स्केल्स हैं वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है. फ्लेक्सिबल मीन्स ईजीली इधर उधर मुड़ जाता है. फ्लेक्सिबल होता है एंड डू नॉट डिस्टर्ब देयर मूवमेंट. और वो उसको मूवमेंट करने में कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करते हैं. देन नेक्स्ट बर्ड्स. बर्ड्स हैव देयर बॉडीज कवर विथ फेदर्स. बर्ड्स जो है वो बर्ड्स की जो बॉडी है वो फेदर्स से कवर्ड रहती है. दे हैव थ्री टाइप्स ऑफ फेदर. फेदर्स थ्री टाइप्स के होते हैं. फ्लाइट फेदर्स, काउंटर फेदर्स एंड डाउन फेदर्स. फर्स्ट क्या है काउंट फ्लाइट फेदर्स. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फेदर्स. सो फेदर्स आर थ्री टाइप्स. फ्लाइट फेदर्स, कॉन्टोर फेदर्स एंड डाउन फेदर. सो फर्स्ट फ्लाइट फेदर आर लार्ज. फ्लाइट फेदर क्या होते हैं, ये लार्ज होते हैं. दे आर फाउंड इन टेल एंड विंग्स ऑफ अ बर्ड. यानी ये टेल्स पे होते हैं ये फेदर्स एंड दे हेल्प देम टू फ्लाई. And help them to fly. And counter feather cover the body of a bird and give its shape. Cover the body and give shape. एंड डाउन फेदर. डाउन फेदर्स ग्रो क्लोज टू द बॉडी ऑफ अ बर्ड्स. यानी बॉडी के सबसे क्लोज जो होता है वो डाउन फेदर्स होता है. एंड दे कीप द बॉडी वॉर्म. क्लोज टू द बॉडी एंड हेल्प देम टू वॉर्म. हेल्प देम टू वॉर्म. ओके, सो लिसन वन टाइम अगेन. फेदर्स आर थ्री टाइप्स. फ्लाइट फेदर, काउंटर फेदर एंड डाउन फेदर. सो फ्लाइट फेदर आर लार्ज फेदर एंड दे हेल्प देम टू फ्लाई. एंड काउंटर फेदर कवर द बॉडी एंड गिव इट्स शेप. गिव शेप ऑफ द बर्ड्स. गिव शेप ऑफ बॉडी. एंड डाउन फेदर्स. डाउन फेदर क्लोज टू द बॉडी एंड हेल्प देम टू वॉर्म. वो उसकी बॉडी को वार्म अप रखता है. एंड नेक्स्ट है मैमल्स. अ मैमल्स बॉडी इज कवर्ड विथ हेयर.
मैमल्स की पूरी बॉडी पे कवर्ड रहता है, पूरी बॉडी पे हेयर रहते हैं. जस्ट सपोज दैट कि ह्यूमन बींग्स आर आल्सो मैमल्स ना, ह्यूमन बींग भी मैमल्स हैं और हमारी पूरी बॉडी पे हेयर्स हैं. देख लीजिए आप. सो अ मैमल्स बॉडी इज कवर्ड विथ हेयर, फर, वूल और ब्रिस्टल. यानी किसी की बॉडी पे हेयर होते हैं, किसी के पे फर होते हैं, किसी पे वूल होता है, किसी पे ब्रिस्टल होता है. दे दिस बॉडी कवरिंग कीप द एनिमल्स वार्म इन विंटर क्लाइमेट एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट देम टू रेन. यानी ये बॉडी को गर्म रखते हैं और बॉडी को विंटर से प्रोटेक्शन देते हैं, और विंटर एंड रेन से प्रोटेक्शन देते हैं. सो मैमल्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, मैमल्स की क्वालिटी क्या है. देखिए, कवर्ड विद, मैमल्स बॉडी इज कवर्ड. बॉडी कवर्ड विद हेयर, एंड हेल्प देम टू बॉडी वॉर्म, बॉडी को वॉर्म रखती है ये. एंड थर्ड, दे प्रोटेक्ट फ्रॉम विंटर एंड रेन, रेन और विंटर से प्रोटेक्शन देती है. ओके, नेक्स्ट है मूवमेंट इन एनिमल्स. मूवमेंट, एनिमल्स का मूवमेंट क्या होता है. एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड एस्केप देयर इनेमीज. यानी एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर सर्चिंग फूड एंड टू एस्केप देयर इनेमीज, और इनेमीज से बचने के लिए और फूड की सर्च में एनिमल्स जो हैं वो वन प्लेस से अनदर प्लेस पे मूवमेंट करते हैं. ओके, सो ऑल एनिमल्स, एनिमल लिविंग ऑन लैंड, इन वाटर एंड इन एयर मूव इन डिफरेंट वेज. यानी जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं, जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं और जो एयर में रहते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स से मूवमेंट करते हैं. ओके, सो ऑनली हुमिंग बर्ड्स दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड्स. ये नॉलेजेबल फैक्ट है. ओनली हुमिंग बर्ड्स इन इन्फोबिट बॉक्स हैव ओनली हुमिंग बर्ड्स दैट कैन फ्लाई फ्लाई बैकवर्ड. बैकवर्ड मीन्स ये पीछे की साइड भी. एवरी बर्ड्स फ्लाई फॉरवर्ड बट हुमिंग, ओनली हुमिंग बर्ड्स दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड. ये पीछे की साइड भी फ्लाई कर सकता है. ओके, एंड इंसेक्ट, इंसेक्ट नेक्स्ट है. इंसेक्ट, इंसेक्ट हैव सिक्स लेग्स टू मूव, क्राउल, होप और वॉक. वॉक यानी इंसेक्ट जो है, इंसेक्ट के सिक्स लेग्स होते हैं जो कि क्राउल में या है हॉपिंग करने में. हॉपिंग मीन्स जंप, जैसे कंगारू करता है जंप. ओके, हॉप एंड क्राउल, क्राउल मीन्स रेंगना. एंड वॉक, वॉक यानी चलना, या तो चलने में या क्राउल करने में, हॉप करने में उसको हेल्प करते हैं. उसके सिक्स लेग्स होते हैं इंसेक्ट के. इंसेक्ट सच एज ग्रास ओपर हैव स्ट्रॉन्ग हार्ड लेग्स. इस ग्रास ओपर के हार्ड लेग्स, स्ट्रॉन्ग हार्ड लेग्स होते हैं एंड हेल्प देम टू हॉप, और जो कि हॉप में हेल्प करते हैं. बीटल्स एंड आंट्स क्राउल विथ देयर सिक्स लेग्स. बीटल्स और आंट्स जो होते हैं वो
क्राउल यानी रेंगते हैं अपने सिक्स लेग्स के हेल्प से। देन नेक्स्ट सम इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाइज, हनीज बीज, मॉस्किटो, ड्रैगन फ्लाइज एंड लेडी बर्ड्स कैन फ्लाई इजीली। ये सब बर्ड्स जो हैं वो इजीली फ्लाई कर सकते हैं अपने इंसेक्ट की हेल्प से, सॉरी अपने लेग्स की हेल्प से। एंड द बॉडी ऑफ मोस्ट ऑफ फ्लाइंग इंसेक्ट हैव अ होलो स्पेस फिल्ड विथ एयर, यानी इनकी इन सभी फ्लाइंग इंसेक्ट के बॉडी पर एक होलो स्पेस होती है, यानी एक खाली स्पेस होती है जो कि एयर से फिल रहती है। दे ऑल्सो हैव अ पेयर ऑफ विंग्स, इनके पेयर ऑफ विंग्स होते हैं। एंड नेक्स्ट है फिश, फिश हैव टू सेट ऑफ फेयर फिन्स, फिश के टू पेयर ऑफ फिन्स होते हैं, वन पेयर इन फ्रंट एंड वन पेयर ऑन द बैक ऑफ बैक टू मूव इन वाटर। एक पेयर तो फ्रंट में होता है, एक पेयर बैक में होता है वाटर में मूवमेंट करने के लिए। द अनपेयर्ड फिन्स हेल्प देम टू मेंटेन देयर बैलेंस, जो अनपेयर्ड फिन्स होते हैं, जो यानी जिनका पेयर नहीं होता है जिन पे फिन्स के, वो हेल्प करते हैं उसको बैलेंसिंग में मेंटेन, यानी बैलेंस करती है वो अपनी बॉडी को, उसमें हेल्प करता है। द टेल फिन्स हेल्प इट टू चेंज इट्स डायरेक्शन वाइल स्विमिंग, और टेल फिन्स जो है वो उसको हेल्प करता है स्विमिंग में, जब वो स्विमिंग करती है तो उसकी डायरेक्शन देने में उसको हेल्प करता है। नेक्स्ट है एम्फीबियंस, एम्फीबियंस मीन्स एनिमल दैट लिव ऑन लैंड एंड वाटर, यानी जो वाटर में भी रह सकता है, जो लैंड में भी रहता है, वो उस एनिमल्स को एम्फीबियंस ग्रुप में रखा गया है। एग्जाम्पल सॉलमेंडर एंड फ्रॉग्स आर द ग्रुप एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियंस। सो एम्फीबियंस फ्रॉग्स आर एम्फीबियंस दैट लिव ऑन लैंड इन वाटर, यानी फ्रॉग्स इन वाटर में भी रह सकता है और लैंड पे भी रह सकता है। दे हॉप ऑन द ग्राउंड विद द पावरफुल हिंड लेग्स, ये वो जब ग्राउंड पे रहता है तो वो अपने पावरफुल हिंड लेग्स से हॉपिंग करता है, यानी उछलता है, कूदता है। दे ऑल्सो हैव वेब्ड फीट, उसके वेब्ड फीट भी होते हैं। एंड अ वेब्ड फुट हैज स्किन, वेब्ड फुट में क्या होता है, उसमें स्किन होती है बिटवीन द टॉयज, यानी टॉयज के बीच में, टॉयज मीन्स उंगलियों, फिंगर्स के बीच में स्किन होती है। एंड दैट हेल्प देम टू पुश वाटर लाइक अ पैडल, और वो वाटर में अपने आप को दे हेल्प देम टू पुश वाटर में अपने आप को पुश करने में हेल्प करता है, यानी पुश करके वो आगे की ओर मूवमेंट करता है। ओके, देन नेक्स्ट है रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स हैव यू सीन लिजार्ड मूव, लिजार्ड क्रोकोडाइल एंड टॉर्टोइस हैव फोर शॉर्ट लेग्स टू मूव, यानी लिजार्ड क्रोकोडाइल और स्नेक्स जो हैं वो रेप्टाइल्स ग्रुप में रखे गए हैं। इनमें इनके फोर शॉर्ट लेग्स होते हैं, चार छोटे छोटे पैर होते हैं। दे क्राउल ऑन बेली, यानी ये क्राउल करते हैं, ये रेंगते हैं। टर्टल्स लिव इन वाटर, टर्टल्स जो होता है वो वाटर में लिव करता है। दे हैव फोर लिम दैट एक्ट एज अ फ्लिपर ऑन पेडल्स टू हेल्प देम टू स्विम, यानी इसके फोर लिम्स होते हैं जो कि उसको स्विम करने में हेल्प करते हैं। एंड स्नेक डू नॉट हैव लेग्स, स्नेक का कोई लेग्स नहीं होता है। दे हैव स्केल ऑन द अंडर साइड ऑफ द बॉडी दैट इनेबल देम टू मूव, इसकी बॉडी के अंडर साइड स्केल्स होती हैं जिसके थ्रू वो मूवमेंट कर सकता है। इसके स्नैक हैज़ मैनी स्केल्स, स्नैक के बहुत सारी स्केल्स होती हैं। स्केल्स मीन्स शेल्स, यानी लाइन लाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसके थ्रू ये मूवमेंट करता है। एंड एज इट मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ये आगे भी जा सकता है मूवमेंट करते हुए और पीछे भी जा सकता है। द स्केल्स पुश अगेंस्ट द ग्राउंड, यानी स्केल्स जो है वो उसको पुश करने में, ग्राउंड को पुश करने में उसकी हेल्प करती है। एंड दिस हेल्प टू ग्रिप द ग्राउंड एंड मूव इट बॉडी, वो ग्राउंड को ग्रिप करके आगे की ओर मूवमेंट करता है। एंड इट कैन मूव इजीली ऑन रफ ग्राउंड बट फाइंड इट्स डिफिकल्ट टू ग्राउंड ऑन स्मूथ सरफेस, लेकिन ये रफ सरफेस पे तो इजीली मूवमेंट करता है बट स्मूथ सरफेस पे,
चिकनी सरफेस पे ये मूवमेंट करने में मूवमेंट नहीं कर पाता है, ओके ठीक से मूवमेंट नहीं कर पाता है। स्नेक कैन आल्सो स्विम इन वाटर, और स्नेक वाटर में भी स्विम कर सकता है, ओके। सो आई गिव टू होमवर्क पेज नंबर 61 to 63, रीड पेज नंबर 61 to 63 एंड फाइंड आउट द क्वेश्चन आंसर, ओके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।